साथियों, यहां अलग अलग आयु वर्ग के बहन भाई बैठे हैं। क्या कभी किसी को याद पड़ता है? और याद पड़ता है तो मुझे बताना, क्या किसी को याद पड़ता है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी एक साथ इतने मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण हुआ हो? हुआ है कभी? नहीं हुआ है ना? पहले ऐसा क्यों नहीं होता था और अब ऐसा क्यों हो रहा है? इसका एक ही कारण है, राजनीतिक इच्छा शक्ति और राजनीतिक प्राथमिकता। जो पहले थे उनकी प्राथमिकता अपने लिए कमाना और अपने परिवार की तिजोरी भरना था। हमारी प्राथमिकता गरीब का पैसा बचाना, गरीब के परिवार को मूलभूत सुविधाएं देना। साथियों, बीमारी अमीर गरीब कुछ नहीं देखती है, उसके लिए तो सब बराबर होते हैं। और इसलिए इन सुविधाओं का जितना लाभ गरीब को होता है, उतना ही लाभ मध्यम वर्ग के परिवारों को भी होता है। साथियों, 7 साल पहले जो दिल्ली में सरकार थी और 4 साल पहले जो यहां यूपी में सरकार थी, वो पूर्वांचल में क्या करते थे? जो पहले सरकार में थे वो वोट के लिए नहीं, डिस्पेंसरी की कहीं छोटे छोटे अस्पताल की घोषणा करके बैठ जाते थे। लोग भी उम्मीद लगाए रहते थे, लेकिन सालों साल तक या तो बिल्डिंग ही नहीं बनती थी, बिल्डिंग होती थी तो मशीन नहीं होती थी, दोनों हो गई तो डॉक्टर और दूसरा स्टाफ नहीं होता था। ऊपर से गरीबों के हजारों करोड़ रुपए लूटने वाली भ्रष्टाचार की साइकिल, ये भ्रष्टाचार की साइकिल 2400 घंटे अलग से चलती रहती थी। दवाई में भ्रष्टाचार, एम्बुलेंस में भ्रष्टाचार, नियुक्ति में भ्रष्टाचार, ट्रांसफर पोस्टिंग में भ्रष्टाचार, इस पूरे खेल में यूपी में कुछ परिवारवादियों का तो खूब भला हुआ। भ्रष्टाचार की साइकिल तो खूब चली, लेकिन उसमें पूर्वांचल और यूपी का सामान्य परिवार पिसता चला गया। सही ही कहा जाता है, जाके पावन फटी बिवाई, जाके पावन फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पराई।